रिश्ते क्या कहलाता है। मी अरमान अभीरा के करीब जाने की, उन्हें साथ पुदार हाउस ले जाने की लाख कोशिश करते नजर आने वाले हैं, लेकिन अरमान के पापा बार बार अभीरा को समझाते नजर आने वाले हैं, उन्हें वो मोमेंट याद दिलाते नजर आने वाले हैं जहां पर सिर्फ दादी साहब के एक बार कहने पर अरमान ने अभीरा से रिश्ता तोड़ने का फैसला ले लिया था और उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। वहीं अब मिलने वाली है अभीरा को बहुत बड़ी खुशी और अभीरा की खुशी सबके लिए खुशी बनती नजर आने वाली है, स्पेशली अरमान के लिए तो फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि अभीरा बनने वाली है लॉयर। फाइनली अरमान ने जो वादा किया था अभीरा की माँ से, वो किसी भी तरह से उन्हें उनके करियर तक पहुंचा कर रहेंगे। अब अभीरा लॉयर तो बन जाएंगे और कहीं ना कहीं उसके लिए वो अरमान को थैंक यू भी बोलती नजर आएंगी। पर क्या अब यही वो मोमेंट होगा जहां पर खुशी के मारे अभीरा नहीं सुनेंगी किसी की और अरमान के साथ जाने के लिए हो जाएंगी तैयार? पर वहीं पर दादी साह का ख्याल बार बार अभीरा को रोकता नजर आने वाला है। तो अब किस तरह से वो अपने इस मन से दादी साह के डर या कह सकते हैं उनके ख्याल को निकाल कर अरमान की इस रिक्वेस्ट को कर लेंगी एक्सेप्ट? चैनल के लिए स्टार्टअप्स की शो ये रिश्ते क्या कहलाता है को लगातार देखते रहिए। स्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टू लर्न बाय बाय एवरीवन।